जब से इस सूबे में जब भी कोई नया हुकूमत आती है तो उनका सबसे पहले वो आरएसएस जबर होता है। गुज़श्ता 30 साल से तो ये सिलसिला चल रहा है, जो भी हुकूमत आता है कि 3000 मजदूर है, 9000 टीचर है, भाई कैसी हुकूमत है, कैसी इदारे है कि इन 3000 टीचरों का गुज़श्ता 30 साल से उनका पता नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उनका पता उनको भी है और अभी भी है। वो किधर है? वो इनके बॉडीगार्ड, वो इनके दर पर है, वो इसलिए। और ये भी हम बताना चाहते हैं कि 10 मरतब उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, न उनके खिलाफ आप उनसे पता नहीं सारे रात क्या करते हो, दोपहर 2 बजे उठते हो, कैसे हिला के जो सवासाजा को टर्मिनेट करो, एक फरमान चाहिए। और इसी तरह आप इनकी तालीम दुस्ती को देखो, सिर्फ उस्ताद आज यूनिवर्सिटी की वाला सुनी और हम आज के जलसे के तो सबसे ये भी मुतालिबा करते हैं कि बिल्कुल यूनिवर्सिटी की मुलाजिमों की तनख्वाह अदा की जाए। वो सिर्फ इस वक्त बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए रूठ बैठे हुए जेल कर रहे हैं, बाकी तो दूर की बात है। और इनसे और यहाँ जो ऐलानात हो रहा था कि हम एजुकेशन में ये करेंगे, मुझे अफसोस है कि आज तक आपके तालीमी इदारे के एक मसले के हवाले से नहीं पूछा, आपने सरजक के मसले के हवाले से नहीं पूछा, आपने नहीं सोचा कि इस सूबे में 5000 प्राइमरी स्कूल सिंगल स्कूल टीचर है, वहां पर आप दूसरा टीचर नहीं दे सकते हो, सियासी बुनियादों पर आप ये बना सकते हो। और ये जो आप इकदाम कर रहे हो ये मैं तो कहता हूँ और आप मौजूदा हुकूमत के जो ऐलानात है ये तो ऐसे मालूम हो रहे हैं जैसे ये तायात आई हुई, लेकिन इन विचारों का पता नहीं है। छह महीने हो गए अभी तक वो वजारतों पर लड़ रहे हैं, अभी तक किसी को पता नहीं कि सुबह मेरे वजारत हो गया नहीं है। और इधर से ये लोग आप लोग भी फिक्र है, इंशाल्लाह जब जब जीटीआई और आपके साथी और आप लोग होंगे ये आप किसी का पूरा नहीं होगा। और तालीम दोस्ती इलम दोस्ती सुबह तरक्की या आवाम या मुल्क जो तरक्की करता है एजुकेशन से, एजुकेशन उस वक्त बेहतर होता है जब उस्ताद परसकून हो, आप उस्ताद को टेंशन में रखते हो और आप अपनी क्या किया। मैं समझता हूँ कि उस्तादों से मेरी गुजारिश है कि बच्चे हमारे हैं, स्कूल हमारे हैं, ये इदारे हमारे हैं, इनके मालिक हम हैं, ये आज आए हुए हैं, कल ये नहीं होंगे, नहीं इनके बच्चे यहाँ हैं और हमने अपने दारू की तकदस का ख्याल रखना है। और आज तक आप अंदाजा लगा साल पूरा होने वाला है, एजुकेशन जिन के जिम्मे या जिन के हवाले किया है वो तो एक दिन के लिए राजनीति पर 2 सप्ताह आप टर्मिनेट कर सकते हैं। आपका सेक्रेटरी 3 साल में ड्यूटी में एक दिन भी आया हुआ है नहीं है, आपको इनका पता नहीं है। आपकी अंदाजा या आपकी तालीम दोस्ती का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि आपके मिनिस्टर या आपने जिसको एजुकेशन हवाले किया है क्या वो आपके स्टे में होते हैं? असा के खिलाफ तो आप टर्मिनेट करते हो, कलम उठाते हो। आपने जिस इस्तकामत के साथ, जिस सबर के साथ, जिस जोश और तवानाई के साथ यहाँ पे मौजूद हो, आपने साबित कर दिया है कि आप अभी तक बेदार हो और हुक्मरानों की ये नाकी जो पॉलिसियां है, ये इनकी जो बद इंतजामी है, ये इनकी जो नाकसी प्लानिंग है, इनकी नाकुमत अंदेशी और गलत फैसले है इनके खिलाफ आप जो है सी सावधानी बार बार कर खड़े हुए हो। साथियों बलूचिस्तान भर की 40 के लगभग तंजीमें हैं, मैं खराज तहसील पेश करता हूँ, चिट्ठी आईनी बोली
हम तुम्हारे साथ।